नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा, और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में राजनीतिक गलियारों से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, और खबर यह है कि वारा सिवनी विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम हाउस में सीएम शिवराज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। प्रदीप जायसवाल, निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चुनाव से ठीक पहले सीएम हाउस में बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ज्वाइन की है, बीजेपी का स्वागत किया सीएम शिवराज ने, बीडी शर्मा ने उनका। वारा सिवनी से विधायक है प्रदीप जायसवाल, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हैं प्रदीप जायसवाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे संगठन के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी के सामने आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था पिछले 5 साल में जिस तरह से मैंने जनता के समर्थन एक निर्दलीय विधायक के तौर पर शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को दिया था, और उस समर्थन के बदले माननीय शिवराज चौहान जी के माध्यम से वाराणसी क्षेत्र में जो विकास के कार्यक्रम किए गए, इससे मैं प्रभावित हुआ। और मैं समझता हूँ कि पिछले 20 सालों में 25 सालों में जितना काम नहीं हुआ होगा मैंने इन 3.5 सालों में किया, चाहे वो बड़े पुल सारे बड़े पुल का काम हो, सड़कों की बात करें, स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, गार्डन, सारे तरह के कार्य। और मैंने अपने वाराणसी क्षेत्र को इंदौर भोपाल जैसे महानगरों के दर्जे पर आगे लाने का प्रयास किया, तो इससे प्रभावित होकर आने वाले समय पर भी ये विकास की गति बनी रहे ताकि हम युवा साथी और आने वाली जो पीढ़ी है उसको एक नया वाराणसी दे सके। रोजगार के क्षेत्र में हमने इथेनॉल के 2 कारखाने भी वाराणसी क्षेत्र में लगाए, वो भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के सहयोग से। तो इस तरह से चौतरफा विकास जो हुआ वाराणसी का, हम चाहते हैं विकास की गति रुकने ना पाए, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी आज मैंने सदस्यता ग्रहण की है ताकि आने वाले समय पर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, सम्मान्य माननीय मोदी जी, इनके नेतृत्व में हम वाराणसी खल्लान जी क्षेत्रों को आगे बढ़ा सकें। सीएम शिवराज सिंह चौहान मुरैना के दिमनी पहुंचे, जहां बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की। साथ ही मंच से कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। सीएम शिवराज ने मंच से कहा कि मैं जब भी कहीं जाता हूं तो छोटे छोटे बच्चे अपनी मां की गोद में नाक पहुंचते हैं, बोलते हैं मामा आई लव यू, तो मैं भी बोल देता हूँ आई लव यू टू, तो ये मेरा प्यार। माने 300 करोड़ के विकास कार्य कराए गए। बहन मुझसे कहते हैं मामा आई लव यू, हम भी कहते हैं आई लव यू टू, लेकिन छोटे छोटे माटी बोलते बैठे बैठे हो सकते मामा, ओ मामा नाक पहुंच रहा है मामा, इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा। और मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस चाहे कितनी भी हो किसी जाति के, दिग्विजय सिंह की फर्जी लेटर का मामला है, कांग्रेस ने साइबर सेल में शिकायत की है बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी के खिलाफ। कांग्रेस का हितेश वाजपेयी पर आरोप है दिग्विजय सिंह की छवि धूमिल करने का। जी हां, तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की फर्जी लेटर का यह मामला, कांग्रेस पहुंच गई साइबर सेल शिकायत करने के लिए। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत की है। कांग्रेस का हितेश वाजपेयी पर आरोप है दिग्विजय सिंह की छवि धूमिल करने का। बीजेपी के जो नेता थे वो पहुंचे हुए थे साइबर सेल शिकायत करने के लिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आखिरकार अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर ही थी। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 144 प्रत्याशियों के नाम है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, बुधरी में सीएम शिवराज एक्टर विक्रम मस्ताल टक्कर देंगे। इस लिस्ट में और क्या है, क्या खास है, रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस ने आखिरकार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 144 प्रत्याशियों के नाम हैं। पार्टी ने 69 विधायकों को फिर से टिकट दिया है, तो कई नए प्रत्याशियों पर भी भरोसा जताया है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, बुधनी से सीएम शिवराज को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने विक्रम मस्ताल को टिकट दिया है। बुधनी के रहने वाले मस्ताल टीवी सीरियल एक्टर हैं,
उन्होंने रामायण सीरियल में हनुमान का किरदार निभाया है और अब सीएम शिवराज के सामने चुनावी मैदान में होंगे। इंदौर एक से कैलाश विजयवर्गीय को संजय शुक्ला टक्कर देंगे। कांग्रेस ने गोटेगांव से विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का टिकट काट दिया। उनकी जगह शेखर चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। चुरहट से अजय सिंह राहुल तो राव से जीतू पटवारी मैदान में हैं। तरुण भनोत जबलपुर पश्चिम तो बाला बच्चन राजपुर से बीजेपी को टक्कर देंगे। इस सूची के साथ ही प्रदेश की 230 में से 86 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट्स की तस्वीर साफ हो चुकी है। एक नजर उन सीटों पर जहां बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज भिड़ेंगे। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के सामने विवेक बंटी साहू होंगे। बुधनी में सीएम शिवराज के सामने विक्रम मस्ताल होंगे। इंदौर एक में कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला होंगे। लाहौर में अमरीश शर्मा के सामने गोविंद सिंह होंगे। नरसिंहपुर में प्रहलाद सिंह पटेल के सामने लाखन सिंह पटेल होंगे। डबरा में इमरती देवी के सामने सुरेश राजे होंगे। सतरा में गणेश सिंह के सामने सिद्धार्थ कुशवाहा होंगे। जबलपुर पश्चिम में राकेश सिंह के सामने तरुण भनोत होंगे। वहीं दतिया में नरोत्तम मिश्रा के सामने अवधेश नायक होंगे। कांग्रेस ने प्रत्याशी तय करने में जाति समीकरणों पर भी ध्यान दिया है। 144 में ओबीसी वर्ग के 39 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग के 22 हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के 30 उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। 19 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने काफी मंथन के बाद टिकट तय किए हैं और कोशिश की है कि बीजेपी को कांटे की टक्कर दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खरगोन जिले के कसरावद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने पहली सूची में पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव को मैदान में उतारा है। पूर्व कृषि मंत्री को टिकट मिलते ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस सीट से सचिन यादव लगातार पिछले दो बार से बीजेपी उम्मीदवार आत्माराम पटेल को चुनाव हरा रहे हैं। कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के बाद न्यूज न्यूज 18 ने भी सचिन यादव को बधाई दी और उन्होंने उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के टिकट जारी करते ही उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस ने उज्जैन उत्तर विधानसभा से माया राजेश त्रिवेदी को उम्मीदवार के रूप में उतारा है। माया राजेश त्रिवेदी 2018 में कांग्रेस के उम्मीदवार विक्की यादव के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। कार्यकर्ताओं को उनको टिकट देना नागवार गुजरा। कार्यकर्ताओं ने माया राजेश त्रिवेदी का पुतला जलाकर विरोध दर्ज किया। अब देखना ये अहम होगा कि कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद माया राजेश त्रिवेदी की मुश्किलें कम होती हैं या फिर बढ़ जाती हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट तय किया है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्या कांग्रेस की परिपाटी हो गई है कि जो निर्दलीय चुनाव लड़े उन लोगों को टिकट देने की? क्या राहुल गांधी जी का सर्वे कमलनाथ जी ने मान्य नहीं किया? कमलनाथ जी ने सर्वे नहीं कराया, दैनिक भास्कर ने सर्वे नहीं कराया। सर्वे में जो लोग आगे आ रहे हैं उनको टिकट देना चाहिए, निर्दलीय चुनाव लड़े लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। हम उसका खुलकर विरोध करते हैं और आगे भी इसका विरोध करें। हम लोग इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए सभी महिलाएं, जिसको कांग्रेस वालों ने टिकट दिया है उनको नहीं देना चाहिए। कांग्रेस लोगों को वो टिकट दिया गया है जिनको नहीं देना चाहिए था, और क्या बोलते जिनका लिस्ट में नाम था उनको टिकट नहीं मिला है, उसका हमने विरोध किया और माया त्रिवेदी का पुतला दहन किया। खरगोन जिले के भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने निर्दलीय विधायक केदार डाबर को उम्मीदवार बनाया है। केदार डाबर को उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। 2018 में कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय विधायक से न्यूज 18 ने खास बातचीत की है। केदार डाबर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी मेरा परिवार है, मैं मूल रूप से कांग्रेसी हूँ। केदार डाबर ने अपनी और प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया। कांग्रेस की एक सूची आज जारी हुई है, 144 लोगों को टिकट दिया गया, उसमें एक नाम है निर्दलीय विधायक केदार डावर, जिनको भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया। या यूं कहा जाए कि जो केदार डावर थे 2018 में उसको लेकर कांग्रेस ने अपनी गलती में सुधार किया है। हमारे साथ खुद केदार डावर मौजूद हैं। आपको निर्दलीय विधायक होने के बाद भी कांग्रेस की जो सूची जारी हुई है उसमें आपको टिकट दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर
आज जो सूची जारी हुई कांग्रेस हाईकमान ने जो जारी की उसमें 186 भगवानपुरा से मुझे कांग्रेस उम्मीदवार बनाया है। क्योंकि पिछला चुनाव भी हमने लड़ा था, मेरे पिता स्वर्गीय चिड़ा भाई डावर जो भगवानपुरा विधानसभा धुलकोट विधानसभा से 4 बार विधायक रहे, हम कांग्रेस परिवार के लोग हैं, कांग्रेस के मूल लोग हैं। और अभी जो सूची जारी हुई इसी को देखते हुए मुझे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया था। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18, खरगोन। सतना जिले की नागौदा विधानसभा से टिकट कटने के बाद यादवेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी और BSP का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि आज जारी हुई कांग्रेस की सूची में यादवेंद्र सिंह की जगह रश्मि पटेल को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके बाद यादवेंद्र सिंह नाराज हो गए और उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया। यादवेंद्र ने 2013 में BJP के नागौद किले को भेजा था और विधायक बने थे। वो कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल के कट्टर समर्थक हैं। उन्होंने भोपाल में कमलनाथ से मिलने की कोशिश की लेकिन PCC चीफ मिलने को तैयार नहीं हुए। यादवेंद्र ने कहा कि कांग्रेस में लफंगों का कब्जा है, मद में चूर इस कमलनाथ को सबक जरूर सिखाऊंगा। BJP का मजबूत गढ़ कहे जाने वाली सिवनी विधानसभा सीट में इस बार कांग्रेस पार्टी ने नया प्रयोग किया है और कांग्रेस पार्टी ने BJP के दिग्गज नेता दिनेश राय के सामने युवा चेहरे आनंद पंजवानी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस से टिकट मिलते ही कांग्रेस प्रत्याशी आनंद पंजवानी ने अपने प्रतिद्वंदी दिनेश राय पर निशाना साधा और विकास के मुद्दों पर विधानसभा चुनाव लड़कर चुनाव जीतने की बात कही। प्रयोग कांग्रेस ने किया है सीनी विधानसभा क्षेत्र में, इस बार युवा चेहरे को जगह दी गई है। हमारे साथ जो सीनी विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी बनाएंगे आनंद पंजवानी, वो मौजूद हैं। उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं, चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं, उनसे जो क्या मुद्दों किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आनंद, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका सीधा जो सामना है यहाँ के जो मौजूदा विधायक है दिनेश राय, वो काफ़ी 2 बार के विधायक रहे हैं, सीधी टक्कर उनसे है और काफी अनुभव में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो 2 बार के विधायक जरूर हैं, उनके पास बाहुबल होगा, धनबल होगा, लेकिन हमारे पास जनबल है, लोग हमारे साथ है। और ये जो आप देख रहे हैं, अभी आपने इतनी भीड़ देखी, इतना प्यार देखा, इतने सारे लोग निकल रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, हमको माला पहना रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जनता का विश्वास है और लोगों ने उनको नकार चुका है। जिस विश्वास के साथ जनता ने उनको विधायक बनाया था वो पूरी तरीके से फेल हो गए। जनता के बीच में उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरी तरीके से नाकाम हुए। इस बात का प्रमाण हम नहीं दे रहे, इस बात का प्रमाण उनकी भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं। मध्यप्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद दावेदारों की नाराजगी जारी है। ताजा मामला सागर से है, जहां दरियावाली विधानसभा से टिकट की दावेदार जिला पंचायत सदस्य शारदा खटीक ने इस्तीफा दे दिया। खबर है कि कांग्रेस उनको 1998 से ही टिकट का आश्वासन देती रही है। वो 2 बार से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीती आ रही हैं। गौरतलब है कि शारदा खटीक के बेटे जितेंद्र खटीक मकरोनिया नगर पालिका में कांग्रेस पार्षद हैं। उन्होंने अपने समर्थकों सहित कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी का पुतला फूंका। शाहजहांपुर विधायक कांग्रेस प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा के खिलाफ वाल्मीकि समाज ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। वाल्मीकि समाज ने अपने ज्ञापन में हुकुम सिंह पर अमर्यादित टिप्पणी का आरोप लगाया। ज्ञापन में कहा गया कि कांग्रेस विधायक हुकुम सिंह कराड़ा ने पिछले दिनों मक्सी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और BJP का जिक्र किया था और वाल्मीकि समाज को लेकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अमर्यादित टिप्पणी की थी। इसको लेकर वाल्मीकि समाज के लोग बड़ी संख्या में थाने पहुंचे। आज हम लोगों ने माननीय श्री कुंती कराड़ा साहब ने जो मक्सी में जनसभा हुई थी उसमें उन्होंने जो है आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है, मेहता को भंगी समाज बनाकर इस तरह गंदा जो शब्द कहें उससे पूरा समाज जन आज हम आक्रोशित हैं और आज हम सब समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। आज हम पूरे शाहजहांपुर ज़िले के वाल्मीकि समाज यहाँ पर इकट्ठा होकर जो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हो रहा है, जो यहाँ के वर्तमान विधायक है उन्होंने
हमारे वाल्मीकि समाज को भंगी और गंदा कहकर अभद्रता करी है और जो वीडियो चल रहा है तो उसके लिए हम आज उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। ये मक्सी में कोई सभा थी जिसके संबंध में भूपेंद्र सिंह कराड़ा जी ने संबोधित किया ऐसा लोग बता रहे हैं, और उसमें कुछ वाल्मीकि समाज को लेकर जब शब्द कहें इस तरीके का आरोप हमारे सामने आया है जिसके संबंध में हमने आवेदन दिया है, उसकी विधिवत जाँच कर वैधानिक कार्रवाई की जाए। दतिया में कांग्रेस की सूची जारी होने के साथ ही विरोध की आवाज़ें उठने लगी हैं। दतिया विधानसभा सीट से बीजेपी से कांग्रेस में आए अवधेश नायक को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के समर्थक इकट्ठा होकर कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी अवधेश नायक के विरोध में नारेबाजी के बाद उनका पुतला भी जलाया और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को पार्टी हाईकमान के नाम ज्ञापन सौंप कर दतिया का टिकट बदलने की मांग की। कि दतिया ज़िले में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता पिछले 15-20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के गृहमंत्री से लड़ते रहे हैं उनकी उपेक्षा की गई है और ये उपेक्षा इस बात को सिद्ध करती है कि गृहमंत्री का षड्यंत्र पूरी तरह से सफल हो गया है और कांग्रेस पार्टी का टिकट बजाय कांग्रेसी कार्यकर्ता को मिलने के एक भाजपा के कार्यकर्ता को मिला है, जिससे ऐसा लगता है कि ये बीजेपी की ए और बी टीम का मुकाबला हो रहा है। अब हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी साथी बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद आगे क्या कदम उठाना है इस पर फैसला। उज्जैन उत्तर से बीजेपी के दावेदार पारस जैन के खिलाफ कुछ लोग अनफिट होने की अफवाह फैला रहे हैं। पारस जैन ने इसका जवाब दिया और कहा कि वो बिल्कुल फिट हैं और अगर बीजेपी उन्हें सातवीं बार प्रत्याशी बनाती है तो वो ये सीट बीजेपी की झोली में डाल देंगे। इस बीच पारस जैन अखाड़े में व्यायाम करते हुए भी नजर आए। पारस जैन है, हम उनसे बात करेंगे। पहलवान, आपको जिस तरीके से लोग अस्वस्थ बता रहे हैं, आप रोजाना यहाँ पर आते हैं, व्यायाम करते हैं, तो क्या लग रहा है आपको? मैं रोजाना 1.25 घंटे व्यायाम करता हूँ, 20 मिनट भी साइकिल भी चलाता हूँ और जब अखाड़े आता हूँ तो यह मल्टी जिम भी करता हूँ। ये मेरी शुरू से आदत, 50 साल से मैं व्यायाम करते आया हूँ और एक बार में मैंने 1100 सूर्य नमस्कार भी लगाए। आज मैं पूरी तरह से फिट हूँ। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि अनफिट है, ये उनकी समझ मेरे को नहीं आता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सातवीं बार मुझे आशीर्वाद देगी तो पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट डालूंगा। पहले जितने वोटों से जीता था उससे भी ज़्यादा वोटों से जीती। खरगोन जिले के सगूर भगूर में प्राचीन ऐतिहासिक बागेश्वरी शक्तिधाम के अमृत कुंड में नवरात्रि पर्व के पहले दिन एक युवती ने तलवार से अपनी जुबान काट दी। जुबान काटने का ये वीडियो वायरल हो रहा है और इस दौरान मुंह से खून निकलने का खतरनाक मंजर भी दिखाई दे रहा है। ये आस्था है या अंधविश्वास कहना बेहद मुश्किल, लेकिन इस दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ ने युवती को जुबान काटते हुए देखा। मंदिर परिसर जयघोष से गूंज उठा। भक्तों ने युवती को रोकने का प्रयास भी नहीं किया, उल्टा लोग मान रहे हैं कि युवती में माता का वास है। बड़ी खबर उज्जैन से, जहां मक्सी रोड पर अवैध कब्जे को हटाने गए नगर निगम के अमले को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कब्जा हटाने के दौरान महिलाओं ने जबरदस्त हंगामा किया और वे सड़क पर बैठ गईं। दरअसल मक्सी रोड पर नगर निगम की 77,600 स्क्वायर फीट जमीन है, लेकिन इस जमीन पर करीब 50 साल से एक सामाजिक संस्था की आड़ में कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम 1998 से केस लड़ रहा है और हाल ही में 11 सितंबर को केस जीतने के बाद
नगर निगम ने नोटिस जारी किया, लेकिन जब लोग नहीं हटे तो निगम कब्जा हटाने पहुंच गया। हरदा से खबर, जहां टिमरदीन थाना के बाजनिया में चरित्र शंका में पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति फरार हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इस हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई। टिमरदीन थाना प्रभारी सुशील पटेल ने बताया कि चरित्र शंका को लेकर पति गंगाराम बरेला ने अपनी पत्नी झुमकी बाई की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। 15/10/23 को ग्राम बाजनिया में एक महिला झुमकी बाई की हत्या होने की सूचना मिली थी। सूचना पर पूरी पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। मौके पर ये पता चला कि झुमकी बाई की हत्या उसके पति गंगाराम ने घरेलू झगड़ा विवाद और चरित्र शंका में कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार करके कर दी है। सूचना रिपोर्ट पर जो है मुकदमा कायम कर लिया। बात करेंगे भिंड की, जहां के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव आम आदमी की तरह अचानक कोतवाली थाने पहुंचे और अपना शस्त्र जमा करवा दिया। उन्होंने ज़िले के लोगों से अपने शस्त्र जमा कराने की अपील भी की। आपको बता दें, ज़िले में विधानसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 5 दिसंबर 2023 तक निलंबित कर दिए गए हैं। ज़िले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए बहुत आवश्यक है कि सभी हथियार जमा करा दिए जाएं। इसी क्रम में मेरे पास जो 12 बोर बंदूक है, लाइसेंसी बंदूक, उसको मैंने यहाँ कोतवाली थाने, भिंड कोतवाली थाने में जमा कराया है और अन्य सभी से मेरा आग्रह है कि अपने शस्त्र जल्दी से जल्दी जमा। रतलाम शहर की रेलवे कॉलोनी में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि हमले में एक युवक घायल भी हुआ। तेंदुए का एक वीडियो भी सामने आया है। वन विभाग के अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। तेंदुए को रेस्क्यू करने की कोशिशें की जा रही हैं। नहीं, हमने सुना है, देखा भी वीडियो वगैरह में, ट्रेस तेंदुआ के रूप में हुआ, वो तेंदुआ ही है, लेकिन वो जंगल से कहीं भटक के आ गया होगा या शिकार वगैरह की तलाश में। तेंदुआ बड़ा हिंसक जानवर है और जब तक उस पर कोई अटैक करेगा तब तक दूसरे पर अटैक नहीं करेगा। वो भी अपने बचाव में रहता है। आप जो भीड़ को नियंत्रित करें और उसको खुला छोड़ दें, वो अपने आप। रीवा में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पशु पक्षियों के अंतर्राज्यीय तस्कर संजू खट्टी को गिरफ्तार किया और इसके पास से बड़ी संख्या में प्रतिबंधित पक्षियों को बरामद किया। वन विभाग ने कार्रवाई सतना में पकड़े गए बहेलिए संजय कुशवाहा की निशानदेही पर की। वन विभाग ने कार्रवाई के दौरान आरोपी के घर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पक्षियों को अपने कब्जे में ले लिया। हरदा से खबर, जहां की टिमरदीन थाना के बजनिया में चरित्र शंका में पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति फरार हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। इस हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई। श्योपुर से खबर, जहां नवरात्रि के पर्व पर माता के मंदिर पर हवन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने जैसे ही हवन करना शुरू किया वैसे ही धुआं उड़ने से मधुमक्खियों ने श्रद्धालुओं पर हमला बोल दिया। मधुमक्खियों के हमले में बच्चे और महिलाएं सहित 25 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और श्योपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। बच्चे और महिलाएं समेत 25 लोग घायल हो गए, श्योपुर जिला अस्पताल में भर्ती हैं। सभी का वहां पर इलाज चल रहा है। हवन के धुएं से मधुमक्खियां भड़क गईं और मधुमक्खियों ने कई लोगों पर हमला कर दिया। इसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। करीब 25 लोगों को मधुमक्खियों ने काटा है, मधुमक्खियों ने हमला किया है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल लाया गया।
पूजा करने गए थे तो पीपल पे मधुमक्खी लग रही थी, तो मधुमक्खी एक दिन से आके सब पे हमला कर दी। कितने लोग आए थे? सभी गए थे, सब थे। वो मधुमक्खियाँ उड़ी तो वहाँ पे लगभग 25-30 लोग, बच्चे औरतें सबको बुरी तरह उनने खा लिया। उठा उठा के जैसे तैसे घर लेके आए उनको, और घर ला करके उनको एम्बुलेंस के लिए 4-5 बार कॉल लगाया, सभी लोगों ने लगाया, लेकिन एम्बुलेंस मौके पे नहीं पहुंची। तो हम ऑटो से मोटरसाइकिल से जैसे ही पटक पटका के पहुंच रहे हॉस्पिटल में पहुंचे तो पहले पर्चा बनवाओ, फिर इसका वो करो, इसका वो करो, लेकिन ये नहीं कि जब मरीज सीरियस है तो उसका इलाज पहले करें, नहीं। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।